प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीनों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। निर्धारित स्ट्रांग रूमों में रखी गई इन मशीनों की पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा 24 घंटे कड़ी निगरानी की जा रही है। का दिन है, हमारे यहाँ पानीपत में 4 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होनी है। 3 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना जहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम SD कॉलेज स्कूल और ये कॉलेज का प्रीमाइसिस है इसमें होनी है, और इसराणा विधानसभा की जो मतगणना है वो आर्य कॉलेज के कैंपस में होनी है। तो 3 इन जो SD कॉलेज प्रीमाइसिस के जो काउंटिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे हमने आउटर, इनर और एक बिल्कुल कोर एरिया में 3 टायर पैरामीटर सिक्योरिटी हमने रखी है। काउंटिंग एजेंट्स जो होंगे वो सारे आइडेंटिफाई होंगे, सभी का रिकॉर्ड वेरीफाइड होगा। काउंटिंग ऑफिशियल जो हैं वो सारे वेरीफाइड होंगे, बगैर यहाँ पे वेरीफाई किए बगैर और निश्चित आदमी के अलावा कोई दूसरा आदमी कैंपस के अंदर नहीं घुस पाएगा। बाहर भी पुलिस की जो आउटर सिक्योरिटी है वो काफ़ी टाइट रहेगी, सारे एरिया के चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, उसके अंदर पुलिस फोर्स रहेगी, किसी भी तरह का भीड़ का इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। मेरा लोगों से भी यह अनुरोध रहेगा कि काउंटिंग की जो आपकी डिटेल्स हैं वो आप मीडिया के माध्यम से, TV के माध्यम से वैसे आप चेक करते रहें। यहाँ पे काउंटिंग सेंटर के बाहर हम भीड़ होने की इजाज़त नहीं देंगे। जो काउंटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल्स रहेंगे वो सभी यहाँ पे आमंत्रित हैं, और उन सभी की पहले पहचान पत्र इशू किया जा चुका है और केवल पहचान पत्र के हिसाब से यहाँ पे एंट्री होगी। यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, स्ट्रॉन्ग रूम्स की अक्रॉस हरियाणा 3 टायर ऑफ सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशनर और पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा डिसाइड की गई है। कितने मशीन होगी हमारे यहाँ पानीपत सिटी को लेकर के? SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थान निर्धारित किया गया है, जिस हॉल में आप खड़े हैं यहीं पे मतगणना चालू की जाएगी। टोटल 14 टेबल्स लगी हैं और हर टेबल पे राउंड वाइज मतगणना होगी। तो हमारे यहाँ 194 बूथ हैं और उनके हिसाब से पर टेबल सबको नियुक्त करके और 14 राउंड में ये सम्पन्न हो जाएगी। ग्रामीण की सराहना की और मार्केट कहाँ पे होने वाली है? हमारे 3 मतगणना सेंटर तो इसी प्रेमाइसिस में हैं, एक जूनियर विंग में है, एक कॉलेज में है SD कॉलेज में, उसके अलावा एक आर्य कॉलेज में है, इसराना का आर्य कॉलेज में। 3 से 4 राउंड के बाद में थोड़ा थोड़ा स्थिति स्पष्ट हो सकती है, बाकी क्योंकि वोटर टर्नआउट के हिसाब से और राउंड वाइज ही पता चलेगा जी। अभी इसमें तो 11-12 बजे तक पूरी होने की संभावना है कि काउंटिंग हम पूरी करा लेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।